तो सबसे पहले हमने देखें बुकरम का पीस ले लिया, पेपर बुकरम है ये, ठीक है। इसे फोल्ड कर लेंगे, आप चाहें तो इसका तकरीबन ये 7-7 इंच चौड़ाई में और तकरीबन 8 इंच लंबाई में आप पीस काट लें। बहरहाल मैं इसी में कटिंग करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने देखें नीचे से निशान लगा लेना आधे से पौन इंच का, ठीक है। इसको स्ट्रेट कर लेंगे, बिल्कुल इसी प्रोसेस से आपने ये प्रोसेस बिल्कुल फॉलो करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा। देखिए मैंने पैटर्न काटा हुआ है गले का, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये तकरीबन 1.5 इंच तैयार है और 1.25 इंच का पूरा है, यानी दबाव भी गले का इसी में ही है। तो हम इसके हिसाब से 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये पैटर्न मैंने किस तरीके से काटा है, तो आप वीडियो को देखते रहें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। ये हमने निशान सीधा कर लिया, उसके बाद हम 3 इंच का गले का निशान लगा रहे हैं, ठीक है। गला आप चाहें अगर बड़ा पहनते हैं तो अब बड़ा गला बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो 3 इंच का लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि इसमें तकरीबन 3.25 इंच का ही आ जाएगा, मतलब छोटे से छोटा गला रखने की मैंने कोशिश की हो, क्योंकि हमारा वो भी जो डिज़ाइन का होल है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वरना। तो ये 3 इंच का मैंने इधर लगा लिया, 3 इंच का इधर लगा लिया, और इसको अब हम सीधा कर देंगे। यानी ये जब हमने दबाव जब हम उसको फोल्ड करेंगे तो ये आपका 6.5 का गला चौड़ाई में आएगा और सेंटर से 3.25 इंच नीचे आएगा। तो इसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको पसंद आ रही हो तो, और अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह पूरा डिज़ाइन समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखें हमने ये पीस काट लिया, इस तरीके से आ गया। तो इसको इसमें आगे बढ़ने से पहले हम बीच वाली जो पट्टी हमारी वो निकालेंगे। ये देखें इस तरीके से इसी बुकरम को वापस फोल्ड करेंगे और इसको इसके ऊपर रखेंगे और हम इसको एक दफ़ा नाप लेंगे कि ये 3 इंच का ही है, ठीक है। और उसके बाद आपने निशान लगा लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे जहाँ तक हमारा ये तैयार आ रहा है, ठीक है। देखें इस तरीके से निशान लगा लिया, उसके बाद देखें हम यहाँ से है ना 2 सूत नीचे, ठीक है, आधा इंच से आधा, यानी 2 सूत नीचे हम कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने इसमें दबाव रखा हुआ है इसके अंदर, तो वो हम इसके अंदर निकाल देंगे दबाव। तो हम यहाँ से कटिंग करेंगे इसे, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल तैयार है और ये इसमें हमारा दबाव हमने शामिल किया था, इसलिए इसको हमने ज़्यादा ही काटा था। तो इस तरीके से आपने इसको कटिंग कर लेना, 2 सूत छोड़ के आप चाहें तो पूरे पे निशान लगा लें, अगर आप अंदाजे से कर सकते हैं तो अंदाजे से कर लें, ठीक है। देखिए 2 पीस हमारे तैयार हो गए, अब चलते हैं आगे। तो इस तरह ये जो मैं पट्टी की जो चौड़ाई ले रहा हूँ, जो मैंने बाद में पीस निकाला है, इसकी मैं ले रहा हूँ 0.5 इंच 1 पॉइंट ले रहा हूँ। आप भी इतनी ले लिए, इतनी चौड़ी बेहतर है, वरना डिज़ाइन आपका वो छुप जाएगा। हमारा 1.5 इंच का तो वो है, तो कुछ वो भी दिखना चाहिए जैसा कि मैंने आपको शुरू में डिज़ाइन दिखाया था। तो अब आपने इसको देखें 0.5 इंच 1 पॉइंट पे मैंने पूरे पे निशान लगा के इसको कटिंग कर लूँगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप टेलरिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो, ठीक है। ये पट्टी हमारी कट गई, अब आ जाती है इस पैटर्न की बात, ठीक है। मैंने इसकी कटिंग तो आपको नहीं बताई, लेकिन इसका पूरा बता देता हूँ। देखें 1.25 का इसकी लंबाई है, यानी 1.5 इंच ये तैयार आएगा। 2 सूत का हमने इसमें एक्स्ट्रा ये ऊपर वाला जो है जो मैंने निशान लगाया ये लिया है। 1.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी, आप इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये शेप मैंने ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझी कि मैं आपको बताऊँ। देखें इस तरह डबल फोल्ड करके ये शेप मैंने इसकी दी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत आसान सा है। तो इसको देखें सेंटर में मैं रखूँगा, क्योंकि मैं इसमें तकरीबन 5 बनाऊँगा, तो इसलिए मैं सेंटर में इसको रखूँगा और सेंटर से सेंटर रख के इसका पेन का निशान लगा दूंगा। अगर ये आप छोटे बड़े करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर इसके हिसाब से आपको जो हमने पट्टी अभी 0.5 इंच 1 पॉइंट की काटी वो भी छोटी करनी पड़ेगी, ठीक है। देखें ये बन गया। अब इसके बाद देखें गैप कितना रखना है। गैप मैं 1 इंच का रखने वाला हूँ। ये 1 इंच का निशान लगा लेते हैं, ठीक है। 1 इंच का निशान लगाकर आपने इसको बिल्कुल बुकरम से सही रखकर इस पर भी निशान लगा लेना है। इसी तरह आपने एक और लगा लेना है 1 इंच का निशान लगाकर। अगर आप सेम गला यही बनाना चाहेंगे तो ये गला छोटे से छोटा है, यानी इतना तो आपको बनाना ही पड़ेगा उस हिसाब से ये। बाकी इसका अगर आप साइज़ चाहें तो छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने ये 5 आएंगे मेरे गले में, ठीक है, जो मैं बना रहा हूँ उसमें 5 आएंगे। उसके बाद देखें, उसके बाद हम इसका मार्जिन रखने के बाद इसको कटिंग करेंगे यहाँ से। तो आपने 0.5 इंच का निशान लगा लेना इधर से, इस तरीके से 0.5 इंच का निशान लगा लेंगे। अगर आपको कोई भी मसला इसमें लगे या आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप उनसे कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं तकरीबन हर कमेंट का जवाब देता हूं, फ़िलहाल पूरी कोशिश करता हूं कि जवाब दूं और अच्छे से दूं। तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं किसी भी मसले के बारे में, ठीक है। इसको कटिंग करने के बाद हम इनको भी कटिंग कर लेंगे। हम बिल्कुल एहतियात से, अच्छी सी शेप इनकी आनी चाहिए। बुकरम पे आप इस्त्री लगा लें, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा ताकि वो आपस में चिपक जाए, तो उससे भी ये अच्छा कट जाता है। फिर बाद में इस्त्री लगा कर ही बुकरम को वापस खोल भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगानी कि बुकरम ख़राब ही हो जाए, और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं लगानी कि चिपके ही ना, ठीक है। देखें इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है, तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से तैयार आई है। इस तरीके से इसकी शेप तैयार आई है। तो अब इसको आ जाती है चिपकाने की बारी। तो ये देखें हमारा फ्रंट है, फ्रंट हम ले लेंगे।
और ये फ्रंट की बैक साइड है यानी उल्टी साइड, तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे फिलहाल, क्योंकि हमने वो 3x3 का काटा था, तो यानी हम 6 इंच का निशान लगा लेंगे, 3 को सेंटर में रख के, 3 इधर 3 इधर, और डीप में वो 3 इंच तैयार है, तो यहाँ पे 3.5 लगाएंगे क्योंकि ऊपर आधा इंच का दबाव भी है। और अब देखें सेंटर इसका बिल्कुल सेटिंग से रखेंगे, ठीक है, और इसको बुकरम को इस तरीके से रख के आपने चिपका देनी है। तो ये देखिए मैंने बुकरम चिपका ली, मैंने आपका टाइम ख़राब नहीं किया कि आपको मैं दिखाऊं कि बुकरम भी कैसे चिपकाते हैं। अब आ जाती दूसरे पीस की बारी, तो ये मैंने इसके बॉर्डर का पीस था बचा हुआ, तो मैंने उसको जोड़ के उसमें ले रहा हूँ। आप कोई भी कंट्रास्ट पीस ले लीजिए जो भी आपको बेहतर लगे, प्लेन पीस भी ले सकते हैं या बॉर्डर बचा हुआ तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मैंने 6.5 इंच का गला तैयार आएगा, आपको बताया था ये तैयार है हमारा, उसमें दबाव है, तो इसको 6.5 रख के हम इसको भी चिपका लेंगे। ये मैंने चिपका लिया, अब इसको हम कटिंग करेंगे। इसको पलटने का तरीका भी आपको मैं इस पूरी वीडियो में ही बताऊंगा, तो आप वो ज़रूर देखिए, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं खुद ही स्किप करके ही वीडियो बनाता हूँ। देखिए मैं जहाँ से फास्ट करना होता है फास्ट कर देता हूँ, और जहाँ से जो पार्ट नहीं दिखाना होता मैं नहीं दिखाता, तो कोशिश तो करता हूँ, फिर भी कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो आप बता दिया करें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ से भी हम काट लेंगे, दोनों तरफ से हमने आधा आधा इंच दबाव रखकर इसको काट लिया। ठीक है, ये कट गया। अब इसके नीचे का पीस भी चाहिए, तो अगर सेम हो तो सेम ले लीजिए, वरना अगर ये बचा हुआ पीस मेरे पास शर्ट का ही है तो मैं तो इसी का ले रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, वो अंदर जाएगा, बाहर की तरफ हमारा सही आना चाहिए। तो ये देखें इसको रख के आपने एक और पीस इसी का काट लेना है, ताकि जिससे हम इसे पलटी कर सकें। पलटी करने का भी तरीका बताऊँगा ना, ऊपर सिलाई आएगी, हम गुम सिलाई में इसको पलटी करेंगे, तो बताता हूँ आपको कैसे होगा। इस तरीके से आपने काट लेना बहरहाल इसको, अभी तक लाइक नहीं किया तो अब तो लाइक कर दो, यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको कुछ समझ ही आ रहा होगा, तो आप यहाँ तक देख रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें इस तरीके से हमारा ये पीस तैयार आ जाएगा। तो अब चलते हैं मशीन की तरफ, तो सबसे पहले हम इसी को पलटी करेंगे, हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे, आपने सिलाई लगा लेनी है पूरे पे अच्छे से, पीस को आपस में रख के। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी इसके सिलाई लगा लेंगे, हाँ जी इस तरफ सिलाई लगा लेंगे, हम इसको पलटी करने वाले हैं, यानी जिसे सिलाई अंदर चली जाएंगी और बाकी सब बाहर आ जाएगा। दोस्तों बेसिक कटिंग की पूरा कोर्स तकरीबन मैं वीडियो दे चुका हूँ, आप अगर वो देखना चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं, जिसमें शर्ट कटिंग, ट्राउज़र कटिंग, पैंट कटिंग, शलवार कटिंग, हर चीज़ की कटिंग मैंने बताने की कोशिश की है बहुत आसान तरीके से। अभी मैं थोड़ा डिज़ाइनिंग पे आना चाह रहा हूँ, तो इसलिए ये गले का डिज़ाइन मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद हम कट लगा लेंगे, देखिए दबाव मैंने थोड़ा छांट दिया क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा था, तो उसके बाद हमने इस पर कट लगा लेना है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दबाव नहीं रखना, दोनों साइड अपने कट लगा लेना अच्छे से, बस एक ध्यान कीजिएगा कि सिलाई ना कटे, सिलाई के करीब तक ही कटो। उसके बाद देखें किसी भी पेचकस की मदद से या किसी भी ऐसी चीज़ की मदद से जो इसके अंदर आराम से जा सके, उससे आपने पलटी कर देना। मेरे पास ये है तो मैं इससे पलटी कर रहा हूँ, बज़ाहिर आपकी बुकरम आपको मुड़ती हुई नज़र आएगी, पर ये है कि बाद में प्रेस लगाने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। हाँ, बुकरम अच्छे से चिपकी होनी चाहिए, अगर अच्छे से चिपकी नहीं होगी तो इस दौरान वो आपकी अलग हो जाएगी कपड़े से, तो आपने ये ध्यान रखना है जब आप बुकरम चिपकाएंगे तो अच्छे से आपने चिपकानी है। ठीक है, इस तरीके से देखें बहुत आसानी से पलटी हो जाएगा, इतना कोई बड़े मसले की बात नहीं है। ये देखें हमारा पलटी हो गया बिल्कुल बेहतरीन सा। ठीक है, तो ये इस तरीके का आ गया है। ठीक है, इसको साइड कर देते हैं, अब दूसरे पीस की तरफ आते हैं ताकि हम एक दफ़ा ही प्रेस पे जाएं। तो अब आ जाती है बारी इसकी जो हमने दोनों एक साथ चिपकाए थे, तो इस पे क्या करना है, आपने एक्स्ट्रा पीस ले लेना है ताकि जो गले के नीचे आए, क्योंकि हम इसको भी पलटी करने वाले हैं। ये हमने उल्टी साइड बुकरम चिपकाई थी, मैंने आपको उस वक्त भी बताया, तो अब इस तरह से आपने पीस ले लेना है जो गले से आपके बड़ा हो थोड़ा। ठीक है, उसके बाद आपने पिने लगा देनी है ताकि आपका पीस अपनी जगह पर रहे, और जब आप सिलाई लगाएं तो वो आगे पीछे ना हो। ठीक है, इस तरह आपने पिने लगा देनी है इसके चारों तरफ। आप जो सिलाई लगाएंगे इसकी वो थोड़ी सी दूर रखा करें, बहुत मामूली सा फ़र्क उस पर रखा करें, यानी एक सिलाई का ही फ़र्क रखा करें बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपने देखें सिलाई लगा लेनी है, उसमें पलटी करने से पता क्या होता है, जो आपका पीछे वाला कपड़ा होता है यानी जो जिससे हम पलटी कर रहे हैं वो अंदर की तरफ ज़्यादा आ जाता है, तो हमारे बाहर से बड़ी फिनिशिंग दिखती है। इस तरीके से आपने आराम आराम से सिलाई लगाते जाना है। देखें मैं आपको एक बनाकर दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से आपने देखें इसकी सिलाई, यहाँ से भी आपने बंद करते जाना है इसको। ठीक है, इस तरीके से आप पूरे पे इसको अच्छे तरीके से सिलाई लगा लेनी है आपने।
तो ये देखें हमारा ये सिलाई लग गई है। इसके बाद बहुत अहम चीज़ आ जाती है कि इसकी कटिंग, इसकी कटिंग आपने बहुत ध्यान से करनी है। अभी देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसकी पिनें निकाल देंगे जो हमने लगाई थी, क्योंकि हमारा पीस बन चुका है, वो लग चुका है, ठीक है। इसकी पिनें निकल गई। उसके बाद देखें कटिंग, आप पहले तो याद है इन छोड़ के पूरा राउंड में काट लेंगे हम गोलाई इस तरीके से, ये आपने काट लेनी है। उसके बाद जो बीच के राउंड है उनको आपने देखें बड़े ध्यान से काटना है। मैं आपको एक दो काट के दिखा देता हूँ, इस तरीके से काटना है। देखें आपने थोड़ा थोड़ा सा दबाव रखें, आधा इंच से भी कम रखें, जितना ज़रूरी हो उतना रखें। कम से कम आप दो सूट का दबाव रख सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से काटने के बाद अब आप इन पर कट लगा लेंगे इस तरीके से, जहाँ जहाँ गोलाई इनकी मोड़ रही है, या आप आधा से पौन इंच पर आप कट लगा लें बेहतर ही है, ठीक है। इस तरीके से आपने सारे राउंड्स पे लगा देना। अब आ जाते हैं वापस इस्त्री पे, अपनी प्रेस पे आ गए। तो सबसे पहले ये वाला पीस है, इसको हम प्रेस मार लेंगे शावर लगा के। आपने अच्छे से प्रेस लगा लेनी है, अच्छे से इसको बिठा लेना है ताकि ये तैयार हो जाए, क्योंकि अब ये फाइनल अपनी कंडीशन में आ रहा है, तो इसको तैयार कर लेना है। ये देखें, ठीक है, इसको साइड कर देंगे। अब गले की तरफ आ जाते हैं। देखें पलटी करने से पहले आपने इसके ऊपर इस्त्री लगानी है अच्छे से पहले, तो ठीक है, ये आपने ज़रूर करना है, क्योंकि तभी आपकी नोक बेहतर बनती है। अभी नोक के लिए बताता हूँ आपने और क्या करना है। उसके बाद आपने देखें क्या करना है, जब अच्छे से बैठ जाएगा तो उसके बाद आपने करना है क्या है इसके साथ, इसको आप बैक साइड से पहले तो हम इसका कपड़ा काट लेते हैं। तो आपने प्रेस लगा के ये जो हमारी बुकरम जहाँ तक दिख रही है ना, उससे आधा इंच छोड़ के हमने काट लेना है, ठीक है। जितनी हमारी बुकरम दिख रही है उससे आधा इंच छोड़ के काट लेना है। तो इस तरीके से तकरीबन मैं एक इंच दबाव रख के काट रहा हूँ, आधा इंच मेरी बुकरम है, आपने रखी थी तो एक इंच दबाव छोड़ कर अगर आप इसको काट लेंगे तो ये बेहतरीन आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखें आपने क्या करना है, ये स्टेप आपने ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। ये देखें यहाँ से ये दबाव को मैं फोल्ड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ताकि जहाँ मैं चाहूँ वहीं पर ये सेट हो जाए, यानी जब मैं पलटी करूँगा तो ये दबाव यहीं पर ही बैठेगा जहाँ पर हम इसे पहले से पहले फोल्ड कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये एक जगह जमा हो जाता है, कहीं से मोटा कहीं से पतला, और ख़ास तौर पर जहाँ पर कोने बने हुए नोके बनी हुई हैं ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। किसी के यहाँ ज़्यादा जो अंदर वाला कपड़ा है वो मतलब जमा हो जाता है वहाँ पर, तो भी नोक अच्छी नहीं आती। तो आपने ये ज़रूर करना है, आपका थोड़ा सा टाइम तो इसमें लगेगा, लेकिन आपने पूरे को अच्छे से सेट कर लेना है, ठीक है। मैं आपको पूरा तो करके नहीं दिखा रहा, तो इस तरीके से देखें मैंने पूरा सेट कर लिया ये। तो अब इसको पलटी कर लेना है, पहले तो आप सिर्फ हाथ से ही कर लेंगे, सिंपली उंगली से इनको सेट कर लेंगे, बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ठीक है, अब इनके कोने सेट करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं ये देखें एक पेचकस ले रहा हूँ, पतला सा पेचकस है, टेस्टर वगैरह आप ले लें या कोई भी चीज़ ले लें जो भी तरह की हो जिससे नोक सेट हो सके, और उसको नोक सेट कर लें। देखें इस तरीके से बड़ी बेहतरीन सी सेटिंग आ जाएगी। मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से सारे पलटी करने के बाद अब हम इस पर वापस से प्रेस लगाएंगे। प्रेस पे आपने अच्छे तरीके से लगानी है, क्योंकि हम इस पे कोई सिलाई नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर, तो आपको प्रेस बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगानी पड़ेगी। आप अच्छे से शावर लगा के इसको अच्छे से बिठा दें, ताकि एक कपड़ा आगे पीछे ना हो या आपका फ्रंट से नज़र ना आए। तो आपने ये ज़रूर ध्यान करना है, प्रेसिंग बहुत अच्छी करनी है, ठीक है। मैं आपको पूरी प्रेसिंग तो नहीं दिखा रहा, पर आपने प्रेसिंग अच्छी करनी है, ठीक है। ये पूरा देखें मैंने प्रेस कर दिया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आप सीधी साइड से भी अच्छे से प्रेस लगा लेंगे एक दफ़ा। दोस्तों चैनल विज़िट कीजिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो वो भी आपके काम की हो सकती हैं। तो आप चैनल विज़िट करें, देखें उधर क्या आपके काम का है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इसी तरह की काम की वीडियोस आपको मिलती रहें, जो आपका बगैर टाइम ख़राब किए आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है। अब देखें ये जो हमने काटा था, तो ये देखें इसको आपने फोल्ड कर लेना प्रेस की मदद से, या पिने लगा लें। मैं कहूँगा कि आप प्रेस लगा लें, क्योंकि हम इसको तुरपाई करेंगे, सिलाई नहीं लगाएंगे। आप चाहें तो सिलाई लगा दें, बहरहाल मैं तो तुरपाई करने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मेरे गले की साइड भी कोई भी सिलाई नज़र आए, तो मैं इस पर तुरपाई करने वाला हूँ।
तो इसलिए मैं इसको पहले प्रेस से अपनी बुकरम पूरी छुपा लूँगा, जितनी बुकरम है उसको सिर्फ उसको छुपा लेना है। तो इस तरीके से देखें हमारा ये पीस तैयार आ जाएगा। अब ये वाली जो हमने इसकी अंदर की पट्टी जो हमने पलटी की थी वो हम देखें इस तरीके से हम इसको रख के हमने इसको कच्चा करना तैयार करना है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे तो मैं भी आपको बताता हूँ। देखें इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी ये इस तरीके से, ठीक है। इस पर भी हम हाथ से काम करेंगे, भी आपको करके दिखाऊंगा वो मैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सेंटर के निशान लगा लेने हैं इस पर भी और गले पर भी, और उसके बाद इसको बड़ा एहतियात से आपने दबाव कह रहा हूँ जो गैप है ना वो एक जैसा रखना है। ये अब आपके हाथ में आप उसको नाप कर रखें बेहतर है। अगर आपका अंदाज़ा बहुत अच्छा है तो आप अंदाजे से भी कर सकते हैं। तो अब देखें हमने दो सूत का इसमें मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा लिया, तो वही दो सूत आपने इस तरीके से फोल्ड करके पकड़ लेना है। एक इंच का इसमें गैप है तो एक इंच के गैप जो आप आधा इंच मतलब उधर से रखेंगे आधा इंच इधर से रखेंगे तो आपका एक इंच हो जाएगा। तो इसको आपने दो सूत फोल्ड करके अच्छे से इसके साथ पकड़ लेना है। और अब देखें सुई में मैंने सिंगल धागा डाला या डबल धागे से भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। आपने तुरपाई जिस तरीके से हम करते हैं उस तरीके से आपने तुरपाई कर लेनी है, टांके लगा लेने। मैं आपको एक पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा, बाकी आप उसी तरीके से सारे कर लेंगे। तो मैं इसका ऊपर नीचे का आपको करके दिखा देता हूँ सिर्फ एक का। ये आपने इस तरीके से करने के बाद इसको पक्का कर लेना इधर पर ही। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो मैं कुकिंग चैनल भी बना चुका हूँ, उस पर भी चंद वीडियोस मैंने डाली है, तो आप वो भी ज़रूर विज़िट करें। तो देखें ये इस तरीके से ऊपर से तैयार आ गया। अब यहाँ से भी हम इसको इसी तरीके से टांके लगा लेंगे, ठीक है। देखें इस तरीके से अरनूर रेसिपीज़ के नाम से मेरा कुकिंग चैनल है, आप उस पर भी जाएं और देखें कि वहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, और बताएं वहाँ पर भी मुझे कमेंट करके इसी तरीके से जैसे आप मेरे इस चैनल पे बताते हैं कि क्या मसला है या क्या बेहतर है, क्या मुझे करना चाहिए आगे, ठीक है। देखें इस तरीके से आप सारे तैयार कर लेंगे अच्छे से दबाव रख के। देखें आपने मैंने आपको बताया कि गैप का आपने बिल्कुल ध्यान करना है और दबाव भी जो हमने लिया है वो भी बिल्कुल एक जैसा लेना है ताकि गला आगे पीछे ना हो। इस तरीके से देखेंगे एक तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप सारे करेंगे। मैंने देखे इस तरीके से सारों में टांके लगाने के बाद ये इस तरीके से तैयार आ गया है, ठीक है। फ्रंट पे कोई सिलाई नहीं है इसके, ठीक है। बैक पे हमने सारा हाथ का काम किया, तो देखें इस तरीके से ये तैयार आ जाएगा। तो अब इसको मैं आपको लगाकर भी दिखा देता हूँ बैक का गला पलटी करके। तो बैक का गला मैंने बुकरम वाला बनाया तो मैं इसको चिपका लिया। अगर आप रेप पट्टी वाला बैक का गला सीखना चाह रहे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर जाके आप वो देख लें। मैंने उसकी भी बड़ी आसान करके बताने की कोशिश की है, तो इस पर मैं फ़िलहाल सिलाई लगा लूँगा। ये आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ मैं। इस गले का भी सिंपल तरीका है, इसको पलटी कर लें। ये भी आप देख लें इसका कैसा लुक आ रहा है। तो आप बुकरम का पलटी कर लिया करें, वो भी बेहतरीन होता है। एक तो शेप बहुत अच्छी आती है, ऊपर से बैठता अच्छा है उसके मुकाबले में, तो बेहतर रहता है। बहरहाल वो आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहें। इसको आपने पलटी कर लेना सिंपली, जैसे हम गोर गला पलटी करते हैं इसी तरह बैक पे रख के इसको पलटी कर रहे हैं हम लोग। आपने शोल्डर जोड़ना इसमें जो भी शोल्डर में जोड़कर दिखाऊंगा वो आप ज़रूर देखें, ठीक है। ये दूसरी तरफ से भी कर रहा हूँ क्योंकि उसमें हम सारा दबाव किस तरीके से अंदर लेकर जा रहे हैं और किस तरीके से फिनिशिंग आएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, तो आप वो ज़रूर देख लें, ठीक है। देखें इस तरीके से गला आ गया। उसके बाद हम इसका दबाव का जो है वो आधा इंच रख के कटिंग कर देंगे पूरा। मैंने जानबूझकर आपको ये समझाने की कोशिश की है क्योंकि मैं उरे पट्टी वाला तो आपको बता चुका हूँ, तो बुकरम वाला मैंने सोचा कि आपको इसमें ही बता देता हूँ ताकि इसकी फिनिशिंग भी देख लें और गला लगाने का तरीका भी आपको बता दूंगा कि कंधे कैसे जोड़ेंगे इसके साथ हम, ठीक है। आपको ने इसको इसी तरीके से रखना है। अभी फ़िलहाल इसको हम फोल्ड नहीं कर रहे क्योंकि कंधे हम इसी तरीके से जोड़ेंगे ताकि दबाव कैसे अंदर जाता है अभी बताता हूँ आपको। देखें ये हमारा फ्रंट आ गया है, तो हमने फ्रंट को इसके साथ रखना है। ये देखें ये पट्टी आपने ऊपर उठाई और फ्रंट को इसके अंदर रखा और ऊपर से पट्टी वापस लगा दी, ठीक है। और आप इसको आधा इंच का दबाव रखें, लेकिन आपने देखना ज़रूर है कि सेटिंग से रखना है। थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा तो वो आपको नोक निकलती हुई नज़र आएगी जो बिल्कुल बुरी लगेगी। अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं तो एक दफ़ा पक्का ना करें, कच्ची सिलाई लगाएं, उसके बाद चेक करने के बाद फिर पक्की सिलाई लगा दें। ये देखें दूसरा भी दिखा देता हूँ। ये इसको हमने खोला, ये इसके अंदर फ्रंट का रखा जो कि तैयार गला है, और ये इसके ऊपर रखा, और अब हमने इसको शोल्डर की सिलाई लगा दी। अभी दिखाता हूँ आपको, देखें कैसा तैयार आएगा। बड़ा बेहतरीन सा तैयार आता है इस तरीके से।
तो ये देखें इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इस पर हम तुरपाई कर देंगे बैक के गले पे, तो ये बिल्कुल तैयार आ जाएगा। देखें फ्रंट और बैक से दोनों तरफ से ये तैयार आ गया इस तरीके से। तो हमारा ये तकरीबन गला तैयार हो चुका है, इस पर हम बैक पे तुरपाई कर लेंगे और इसको अच्छे से प्रेस करके हम तैयार कर लेंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी फरमाइश पूरी करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।